हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन हाफ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर लेसन थर्ड गोदोनम। टुडे वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स, वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन है पुंडवाक्येन उत्तरम लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एक पदेन उत्तरम, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे पुंडवाक्येन उत्तरत। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम देनो है कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने एक महीने तक देनु के साथ क्या किया, तो क्या किया था, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो है दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने एक महीने तक धेनु के दुग्ध दोहन को छोड़कर उसकी सेवा की। सेकंड क्वेश्चन है चंदन काले है कश्य रसम पीबती, काल किसका रस पी लेता है, तो काले है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः है रसम पीबती। यानी कि जो समय है वो शीघ्रता से किए जाने वाले कार्य का, आदान का, प्रदान का, लेन देन का और कर्तव्य कर्म का महत्व है या फिर रस है, वो काल पी लेता है, समय पी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदती। घड़े के मूल्य को देने के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने के लिए प्रयत्न करती है, अपने आभूषण देना चाहती है, तब कुंभकार यानी कि कुम्हार जो था वो क्या कहता है, तो देखो कुंभकार है वदती, कुंभकार कहता है पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमी कथम अपि त्वाम आभूषण विहीनाम करतुम न इच्छामी। कुंभकार ने कहा कि हे पुत्री, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार तुम्हें आभूषण से विहीन, आभूषण से रहित करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो है ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देखकर धेनु के मारने का वास्तविक कारण जान जाती है, तो देखो मल्लिकया दृष्टम यत, मल्लिका ने देखा कि आवाभयाम मास पर्यंतम धेनो है दोहनम न कृतम, कि हम दोनों यहाँ पर कौन है, चंदन और मल्लिका, आवाभ्याम मास पर्यंतम धेनो है दोहनम न कृतम, हम दोनों ने एक महीने तक धेनु का दुग्ध दोहन नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यती और इसीलिए वह मार रही है। तो उसके मारने का कारण ये था, एक महीने तक उसका दुग्ध दोहन नहीं किया गया, उसके बाद में सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसलिए धेनु मार रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मास पर्यंतम धेनो है अदोहन से किम कारणम आसीत। एक महीने तक धेनु का दुग्ध दोहन न करने का कारण क्या था, तो कारण ये था मासा अंते त्रिशत सेटक परिमितम दुग्धम प्राप्तुम तेन च विक्रिय धन्यक भवितुम चंदने है मास पर्यंतम धेनो है दोहनम न करोती। तो मैं एक महीने के अंत में 300 लीटर दूध प्राप्त करके और उसे बेचकर, विक्री यानी बेचकर धनी होने के लिए, धन्यक भवितुम धनी होने के लिए चंदन ने एक महीने तक धेनु का दुग्ध दोहन नहीं किया। ओके, ये थे पुंडवाक्येन उत्तरत। ये आपको नोटबुक में ऐसे कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन लिख के और पूरे ऐसे लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो फर्स्ट है मल्लिका है सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छती। इसमें मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई। ओके, प्रश्न निर्माण देखेंगे। तो जो फर्स्ट है उसमें सखी भी की जगह पे आपको लिखना है काभी। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट उसमें आपको लिखना है काभी, सखी भी की जगह। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट चंदन है दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्व प्रातराशस्य प्रबंधनम अकरोत। चंदन ने दुग्ध दोहन करके ही अपने नाश्ते का प्रबंध किया, तो स्व प्रातराशस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य यानी कि किसका। नेक्स्ट मोदकानी पूजा निमितानी रचितानी आसन। जो लड्डू है वो पूजा के लिए बनाए हुए हैं, तो मोदकानी की जगह क्या हो जाएगा, कान्नी।
नेक्स्ट फोर्थ, मल्लिका स्वपतिम चतुर्तमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है, तो कीदृशम यानी कि कैसा मानती है, तो यहाँ पर आ जाएगा कीदृशम, ये हो गया कीदृशम। नेक्स्ट फिफ्थ, नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैर के प्रहार से मार करके चंदन को रक्त रंजित कर देती है, तो नंदिनी की जगह पर यहाँ आ जाएगा का, कौन रक्त रंजित करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजुषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरियत। देखो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, ब्लैंक जो है वो फिल करने हैं। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, यदा चंदने स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्राया विषय जानाति। फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आएगा धर्म यात्राया, पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगी, बोर्ड पे लिख दूंगी कि कौन कौन से में क्या आएगा। जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा से क्रोधित न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है, यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थाएं कथियत्वा, तब उसकी पत्नी उसको घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, और सखियों के साथ भ्रमण के लिए जाती है, अपितु तस्या यात्राया कृते मंगल कामनाम कुर्वन कथयति। अपितु वह इस बात के लिए, मतलब वो क्रोधित नहीं होता है कि वो अपनी सखियों के साथ घर की व्यवस्था उस पर छोड़ करके और अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए जा रही है, मंदिर वहाँ पर जा रही है, लेकिन उस फिर भी वो अपितु तस्या यात्राया, अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए कहता है, यत तव मार्गा सिवा अर्थार्थ कल्याणकारिण भवन्तु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे, मार्गे कचित भी बाधा तव कृते समस्या न उत्पादित, और मार्ग में कहीं पर भी तुम्हारे लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। एतेन सिद्ध्यति, यत इससे सिद्ध होता है कि चंदन है नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत। इससे यह सिद्ध होता है कि जो चंदन है नारी स्वतंत्रता का समर्थक है। ओके, तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आपको लिखना है धर्म यात्राया। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा धर्म यात्राया। धर्म यात्राया, सेकंड में आएगा गृह व्यवस्थाएं, ओके, थर्ड ब्लैंक में आएगा मंगल कामना, फोर्थ कल्याणकारी ने, ओके, फिफ्थ में आएगा उत्पादित, सिक्स्थ ब्लैंक में आएगा समर्थक है, फर्स्ट धर्म यात्राया, सेकंड ग्रह व्यवस्थाएं, थर्ड मंगल कामनाम, फोर्थ कल्याणकारी ने, और फिफ्थ उत्पादित, एंड सिक्स्थ में हो जाएगा समर्थक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाक्रम अनुसार हम लिखते, देखो घटना दी, ये जो कहानी है उसकी कुछ लाइनें दी हुई है यहाँ पर, इनको सेट करना है। तो फर्स्ट जो लाइन होगी वो है घय वाली जो लाइन है, फर्स्ट है मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। सेकंड लाइन होगी कह वाली, सा सखी भी सह तीर्थयात्राए काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थयात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाती है। थर्ड लाइन ग वाली, उमा मासा अंते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दुग्ध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचना देती है या चंदन को बताती है। फोर्थ जय वाली, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा को समाप्त करके घर लौटती है। फिफ्थ लाइन, उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्यां कुरुते, और दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। सिक्स्थ छह वाली, चंदन है उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तो मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदन उत्सव के समय में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए एक महीने तक दोहन नहीं करता है। सेवंथ लाइन, उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति,
और उत्सव के दिन जब वह दूध साथ में ही अधिक दूध निकालने का प्रयत्न करता है तब नंदिनी उसे पैर से उस पर प्रहार करती है। ओके एट नाइन है चय वाली कार्याणी समय करियाणी इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य समय पे ही करना चाहिए यह चंदन और नंदिनी ने गाय चंदन ने नंदिनी के पैर के प्रहार से गाय के पैर के प्रहार से समझ जाता है। ओके तो इसमें लाइनों का जो क्रम है वो देखेंगे क्या है। अब इनके आगे मैं इनके नंबरिंग लगा रही हूँ कौन कौन से में क्या होगा। कै वाली दो नंबर पे आएगी खैप 5, 3, 1, 7, 8, 6 and 4 इनके आगे आप ऐसे नंबर लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित आनी वाक्यानि का कम प्रतीक अत्यति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो सेंटेंस है ये किसने किसके लिए कहा। तो फर्स्ट हमारे लिए किया हुआ है स्वामी ने प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम। स्वामी मैं लौट आई हूँ प्रसाद चखिए ये मल्लिका ने कहा था चंदन के प्रति। कैवल्य है जो है धन्यवाद मातुल याम अधुना धन्यवाद मामा जी याम अधुना अब मैं चलती हूँ तो ये कहा था उमा ने कहा था किसके लिए चंदन के प्रति। उमा ने कहा था किसके लिए चंदनम प्रति ये उमा ने ये बात कही थी चंदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है त्रिशतक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 किलो दूध बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाएगी ये किसने कहा था चंदन ने उमा के लिए कहा था कि 300 किलो दूध की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो चंदन है उमा प्रति चंदन है उमाम प्रति चंदन ने उमा के लिए ये कहा। नेक्स्ट मूल्यम तो दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते कि मूल्य तो मैं जो दुग्ध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ ये बात कही थी चंदन ने किसके लिए कुंभकारम के प्रति। चंदन है कुंभकारम प्रति कुंभकार को कहा था कि जो घड़े हैं मुझे अभी चाहिए लेकिन जो मूल्य है मैं वो घड़े दूध बेचने के बाद में दे पाऊँगा। नेक्स्ट पुत्री के न अहम पापम करोमी पुत्री मैं कोई पाप कर्म नहीं करूँगा ये कहा था कुंभकार ने किसके लिए उमा के प्रति मल्लिका के प्रति। कुंभकार है कुंभकार है मल्लिकाम प्रति मल्लिका को ये बात कही थी कि मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता मल्लिकाम प्रति। नेक्स्ट देवी मया अभी ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम देवी मेरे द्वारा भी यह जाना गया कि हम दोनों ने सर्वथा अनुचित किया है तो ये बात कही थी चंदन ने मल्लिका के प्रति। चंदन है मल्लिकाम प्रति ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वाकुरुत। अब हमें संधि विच्छेद करना है फर्स्ट है शिवास्ते तो शिवास्ते का हो जाएगा शिवा है प्लस ते। नेक्स्ट मने है प्लस हर यहां पर मनोहर देखो यहां पर शब्द तो है मनोहर और उसका संधि विच्छेद होगा मने है प्लस हर है ओके। नेक्स्ट सप्ताह है प्लस अंते। नेक्स्ट ने इच्छामी तो ने प्लस इच्छामी
ने प्लस इच्छामि, नेक्स्ट अत्युत्तम, तो अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम है। अब देखो इनके संधि के नाम लिखेंगे। शिवास्ते में क्या है, स की जगह पर विसर्ग लगाया गया है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि। स की जगह जब विसर्ग लगता है तो यहाँ पर संधि है सत्व विसर्ग संधि। मने है प्लस हरे है, तो इसमें है उत्व संधि। विसर्ग का जब ओ बनता है या ओ का विसर्ग बनता है यहाँ पर, तो ये उत्व संधि होती है। सप्ताह है प्लस अंते, इसमें ए और ए दोनों आ रहे हैं और मिलके आ बना है, तो ये दीर्घ संधि। ने प्लस इच्छामि ए है और यहाँ पर ई है, दोनों का मिलके ए बना हुआ है, तो ये संधि है गुण संधि। अति प्लस उत्तम, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ऊ है, तो ई के बाद में कोई भी है समान स्वर होने पर उसका यह बनता है यण संधि। कौन सी संधि हो गई ये? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय चय संयोज्य। प्रकृति प्रत्यय बताने हमें, प्रकृति प्रत्यय, तो देखो फर्स्ट है करणियम, तो करणियम का क्या हो जाएगा? क्री प्लस अन्यर, क्री धातु हो गया या प्रकृति हो गई और अन्यर प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट वी प्लस क्री प्लस लेप, तो वी प्लस क्री प्लस लेप बनेगा विक्री है, विक्री है। नेक्स्ट पठितम, पठ प्लस कत प्रत्यय, पठ प्लस कत प्रत्यय। नेक्स्ट ताड़िय प्लस कत्वा, ताड़ित्व, ये बनेगा ताड़ित्व। नेक्स्ट दोग्धुम, दोग्धुम का दू है धातु, दोग्धुम में जो धातु है वो दू है धातु है और तुमुन प्रत्यय। ओके, क्री प्लस अनियर वी क्रिय, पठ प्लस कत, ताड़े प्लस कत्वा ताड़ित्वा, दोग्धुम दू है प्लस तुमुन। यहाँ पर ये चैप्टर थ्री खत्म होता है। अब आपको नोटबुक में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन करना है पूर्ण वाक्य अनुत्तरत, प्रश्न निर्माण करने हैं सेकंड थर्ड और सेवन्थ करना है। सेकेंड थर्ड और सेवन्थ क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।